अलगू मैं हू नादिया हुसैन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सेट आई एम एन लमनाई ऑफ फातमा जना डेंटल कॉलेज आई एम द सेवेंथ बैच जो कि हम लोगों ने यू नो लाइक दिस हज़ बिन एटीन ईयर्स अगो एंड बहुत ज़्यादा जो जा है वो आई यू नो आई हैव पर्सनली सीन दिस कॉलेज ग्रो Uh, हम लोगों ने जहाँ से शुरुआत की थी टिल टूडे वेयर दिस कॉलेज इज स्टैंडिंग इट इज इट इज़ बिन अ ट्रमेंडस जर्नी एंड आई वुड रियली लाइक टू सेट जो जो मेरी आई वुड uh, you know, so uh, से इंटरक्शन हैड विद सो मेनी अमेजिंग पीपल ऑफ माई बैच जो मेरे सीनियर्स थे मेरे अपना बैच था मेरे जूनियर्स एंड ऑफ कोर्स द टीचर्स एज वेल एवरीबडी सब के साथ बहुत ज़बरदस्त एक रिलेशन रहा एंड द teachers I would say have been absolutely amazing फ्राम डे वन वी हैड अमेजिंग टीचर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन uh, के साथ uh, उन्होंने पढ़ाया एंड वी ऑलवेज़ हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विचर्स एंड वी कड ऑलवेज़ आस्क दम कि क्या यू you नो know, मसला है क्या मसाइल हैं uh, बहुत सी फैसिलिटीज़ uh, uh, यहाँ पे शुरू में तो आई बुड से कि हमें लगता था कि फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत कम है लेकिन आता आहिस्ता द कॉलेज इज़ ग्रोन एंड मार्शल आर्ट हैज़ अ वेरी बिग कैंपस नाव अब बड़ी बड़ी, बड़ी लैब्स हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं आ, जो कि एज़ ए मेडिकल स्टूडेंट आपको एज़ ए डेंटल स्टूडेंट जो आपको चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है आ, वो आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मुहैया

किसी भी डेंटिस्ट के लिए और किसी भी डॉक्टर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें और जब आपके पास एक अच्छा हॉस्पिटल सेटअप होता है जहाँ पे सब्सिडाइज चार्जेस हैं नॉमिनल चार्जेस हैं आपके पास पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें एक आसानी हो जाती है एज़ अ स्टूडेंट कि आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो कितनी मिलती है तो मुझे तो याद है कि हम लोगों के पास यू you नो know, बहुत ज़्यादा हमारे पास पेशेंट्स होते थे हम लोग सर्जरीज भी कर रहे हैं उनके ऊपर एक्सट्रैक्शन भी कर फिलिंग्स भी कर रहे हैं किसी को डेंचर लगाना है किसी को क्राउन ब्रिज लगाना है ये मतलब इतना कुछ होता था इतनी प्रैक्टिस होती थी विच इज समथिंग दैट रियली रियली हेल्प्स एज फार एज योर स्किल इज कंसर्न Uh, so now I would like to say that as far as being in the medical profession is concerned, अभी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी inter pass होने वाले हैं A levels अपने खत्म करने वाले So for them, I would really like to say that uh, being a dentist is something that. इट्स फर्स्टली यू नो हर स्टूडेंट की एक uh, एक ऐज में जो है वो um, चाहत होती है कि जी बड़ा पैसा कमाएं। आई वुड से द डेंटिस्ट्री इज़ वन ऑफ दोज फील्ड्स जहाँ पे आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं द सेकेंड थिंग इज़ कि आपकी वर्किंग आवर्स भी लिमिटेड होते हैं सो यू कैन वर्क फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड आपके यू नो इनकम भी जो है वो आपकी बड़ी अच्छी हो सकती है आपको बहुत बड़ा सेटअप रखने की ज़रूरत नहीं है आप एक छोटा सा एक अपना क्लिनिक खोलें आप वहाँ पे जो है वो अपने क्लाइंट्स का फ्लो अच्छा रखें तो आपकी जो बिज़नेस है वो आपका मैनेजेबल हो सकता है सो यू नो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शन आप यू नो फ्राम लाइक अब जो पॉपुलर फील्ड हैं डेंटिस्ट्री के उसके अंदर जो प्रोस्ेटिक्स का है जो कि क्राउन ब्रिजिस का आता है उसके बाद औरटिक्स है जो कि ब्रेसिस का आता है फिर बेसिक uh, जो आपकी कंजर्वेटिव uh, डेंटिस्ट्री है जिसमें यू नो फिलिंग्स आती हैं इम्प्लांट्स आती हैं वो थोड़ा सा सर्जिकल की तरफ अगेन दैट इज पार्ट ऑफ प्रोस्थेटिक्स एज वेल बट ऑल ऑफ दीज आर फील्ड्स विच आर वेरी यू नो लाइक दे आर वेरी दे रिक्वायर लॉट ऑफ स्किल बट इट इज़ सम दैट जो इंसान अगर किस अगर उसको कोई अपनी अस्थेटिक्स डेंटल अस्थेटिक्स का प्रॉब्लम होगा या अगर उसको बेसिक दांतों का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही है वो कहीं ना कहीं ज़रूर जाएगा सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नो लाइक वन शुड वन कैन रियली थिंक अबाउट दिस वॉज समथिंग दैट इवन फॉर मी पर्सनली वन आई वॉज कमिंग इन टू द मेडिकल फील्ड इट वॉज अ बिग मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी